नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज सेगमेंट। राजनीति में कोई भी ज्यादा दिनों तक दोस्त या ज्यादा दिनों तक दुश्मन नहीं रह पाता, ये कहावत पिछले कुछ समय से बिहार के रणनीति में एकदम फिट बैठ रही है। इसका ताजा उदाहरण मोकामा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के प्रचार में देखने को मिल रहा है, जहां जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार के विरोध में बोलने वाले पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए खुद जेडीयू प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोकामा में रोड शो किया। उन्होंने नीलम देवी के जीत को लेकर बड़ा दावा किया। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 27 अक्टूबर को नीलम देवी के लिए प्रचार करने मोकामा जाएंगे। ललन सिंह ने मोकामा में महागठबंधन की प्रत्याशी नीलम देवी के जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। ललन सिंह ने कहा कि मोकामा में पहले के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मोकामा गोपालगंज में कोई लड़ाई लग रहा है आपको क्या? इस सवाल जो आप पूछ रहे हैं, आपको कुछ बुझा रहा है क्या? कोई लड़ाई कड़ा मोदी की आंधी पड़ रही है, आप कुछ कहिए नहीं रहा है। आंधी तो पता चल जाएगा 6 तारीख को। 80 स्टार प्रचारक ले आ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि मोकामा में खौफ से चुनाव जीतेंगे। शाहनवाज हुसैन पुराना हवाबाज है, उनका काम है हवाबाजी करना, इसलिए हवाबाजी से नहीं होता है। जनता का समर्थन और धरातल पर महागठबंधन के पक्ष में जनता का अपार समर्थन है। और अभी तो हम मोकामा घूम रहे हैं, खास करके मोकामा में हम आज आपको बता देते हैं 6 तारीख को गिनती होगी और मोकामा का पिछला सारा रिकॉर्ड टूटेगा। बिहार के विधायकों के लिए आज का दिन बहुत खास रहा। लंबे इंतजार के बाद बिहार के विधायकों को नया सरकारी आवास मिला है, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। आज बिहार के कुल 65 विधायकों को नया आवास मिल गया है। विधायकों के आवास का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बिहार सरकार ने कई वर्ष पहले विधायक आवास योजना की शुरुआत की थी, हालांकि ये योजना समय पर पूरा नहीं हो सका। देर से ही सही ये आवास बनकर तैयार हो गए हैं। आज विधायकों को आवास की चाबी भी सौंप दी गई है। बता दें कि इन आवासों का निर्माण भवन निर्माण विभाग की तरफ से कराया गया है। जितने विधायक हैं, जितने विधान पार्षद हैं, सब लोगों के लिए एक एक बिल्डिंग तय रहेगा कि जब भी जो भी होगा उस स्थान से उन्हीं को मिलेगा वो जगह। पिछले दिनों ही सीएम नीतीश कुमार ने छठ महापर्व को लेकर पटना के घाटों का निरीक्षण करने निकले थे, जिस दौरान उनका स्टीमर जेपी गंगा पाथवे के पिलर से टकरा गई, जिससे स्टीमर पर सवार लोग पानी में गिर गए। लेकिन उसी दौरान नीतीश कुमार को चोट आ गई, जिसे आज 26 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने मीडिया को दिखाया। वही मुख्यमंत्री आज दोबारा घाटों का निरीक्षण करने निकले, जिस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूचना दी जाए कि कौन कौन से घाटों पर छठ करना सही होगा। वो काम करते रहते हैं, लेकिन अब ये है कि जो जा रहे थे अब उधर बाई रोड हमको जाना पड़ रहा, उधर कोई अच्छा नहीं है। पहले बहुत अच्छा रहता जी जी सर, एक एक चीज को देखते रहते जी जी, और उस दिन टक्कर काट दिए। अब बताइए, आज तक हम तो 6 से घूम रहे हैं जी सर, ये पहला बार घूम गया। तो अगर हम आज भी कहें कि आज हम चलेंगे उस जगह पर देखेंगे, हम बाई रोड ही जाकर के देखेंगे। अभी घाव ठीक है मुख्यमंत्री जी आपका? घाव देखिए वो नहीं है, तो उसको बचाना है ना। जी सर। अब पैर वाला भी अभी भी है, इसलिए थोड़ा सा सचेत रहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार यानी आज औपचारिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। इस मौके पर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता उपस्थित रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद मल्लिकार्जुन ने संबोधन दिया। अपने संबोधन के दौरान वो काफी भावुक दिखे। उन्होंने खुद भी कहा कि आज मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। आज एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर मजदूर का बेटा एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार
और धन्यवाद देता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा और सत्ता में बैठे हुक्मरान लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। सीएम केजरीवाल ने मांग की है कि भारतीय करेंसी पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो के दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर भी छापी जाए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की राजनीति अब यूटर्न ले रही है। पात्रा के अलावा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है। समित पात्रा ने कहा कि ये वही आदमी है जिसने अयोध्या के राम मंदिर में जाने से इनकार कर दिया। यह दावा करते हुए कहा कि भगवान वहां की जाने वाली प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।